There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. I am back, Mitro. कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट्स को एग्जैक्टली एक हफ्ता हो चुका है. कांग्रेस कब की जीत चुकी है. कांग्रेस का सीएम और डिप्टी सीएम भी डिसाइड हो गया है. सो मच हुआ है. और इस सबके बीच हमारे पसंदीदा एंकर्स का हाल कुछ ऐसा रहा. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. क्या क्या नहीं सहना पड़ा हमारे एंकर्स को. क्या क्या नहीं सहना पड़ा हमारी नविका को. हमारी गलती क्या है. अब कोई गलती नहीं है नविका. इलेक्शंस में हार जीत तो चलती रहती है. डोंट ब्लेम यू. You did your best. तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया, सही नहीं किया. जो कुछ हुआ, अब क्या बोलें? कांग्रेस ने किया, वोटर्स ने किया, कोई बात नहीं. Why are you taking it personally? Just don't take it personally. Forget about it. एक अदालत यहाँ है, एक अदालत वहाँ है, जहाँ सबको जाना है, वहाँ सबकी पेशी होती है. हाँ, हम लोग को पता है तुम लोग की पेशी लगती है. ये तो सबको पता है. We all know that. But just move on from this. Don't get too emotional. बाथरूम जाए और दरवाजा ना बंद हो. Oh wait, this isn't about elections. ये पिक्चर तो कुछ और ही चली थी टाइम्स नाउ पे. We'll tackle that later. First things first. कर्नाटका स्टेट इलेक्शंस का कवरेज कैसा रहा. वधिया जी वधिया, बिल्कुल चंगा. चैनलों ने माहौल सजा दिया. इस बार निखिल अपनी किस्मत आजमा रहे. और लीजिए पंचमुखी हनुमान. बजरंग बली की. अरे ये न्यूज है, आस्था चैनल है. महिलाओं के वोट शेयर में भी कांग्रेस पुरुषों के वोट शेयर से 4% आगे है. अरे ये न्यूज है, सस्ती जंगल बुक है. हॉट एयर बैलून हम दिखा रहे हैं. ये देखिए आदर्श के खाते में 2, जेडीएस के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 84 और बीजेपी के खाते में 80. अरे दीपक जी, रॉकेट लॉन्च से सीधा हॉट एयर बलून पर आ गए आप. बड़े ऊंचे रहते हैं. हाई रहने की काफी आदत है आपको. आई होप योर नी इज फीलिंग बेटर नाउ. The only thing more annoying than graphics were the sound effects on Zee. See, बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है. मजा आ रहा होगा आपको भी as expert. Am I watching election results or am I watching Chernobyl? इसी बात पे alert, alert, alert. Like this video, guys. We don't have the budget for सस्ती graphics, तो तुम सस्ते sound effects से काम चला लो. Like this video, guys. आप जितना इस video को like करेंगे, उतना ही ये video hit जाएगा. Like, like, like. बस, please. End. Now, speaking of टैकी इलेक्शन ग्राफिक्स, एबीपी थॉट की ग्राफिक्स टीम रखी है तो आज पूरा पैसा वसूल करके रहेंगे. मूव असाइड जाने दुश्मन, एबीपी का इलेक्शन कवरेज है. आप सोच रहे होंगे मैं कहां हूं. मैं इस वक्त क्योंकि चुनाव कर्नाटक का है तो कोलार कोल फील्ड्स में मौजूद हूं. ये देख रहे हैं आप. What could she do while reporting on Bengaluru numbers? Give the seat share while drowning in flood? तो फाइनल फिगर जिसका जिक्र अभी रूबिका कर रही थी, फाइनल फिगर के लिए, फाइनल व्यू के लिए जरूरी है फुल व्यू. फुल व्यू? वो असली हेलीकॉप्टर नहीं है भाई. मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ओल्ड मैसूरू का ये रामनगर, और जरा देखिए मैं जॉक फॉल्स पे मौजूद हूँ और यहाँ पर नजारा इतना खूबसूरत है. ये हल्की हल्की पानी की बौछार भी पड़ रही है. अति खूबसूरत. दैट इज एन इमेज वी ऑल कुड हैव डन विदाउट. ABP News, where news ends and green screen begins. While channels were busy playing with the green screens and giving us tacky graphics after tacky graphics, the Congress party won the Karnataka Assembly election with a landslide victory, a historical victory. बहुत दुख की बात हुई. ऐसे कैसे? अपने प्रिय लीडर की ऐसी हार होते देख, we saw all our TV news channels go through 5 stages of grief. 5 stages. The first stage, denial. Modi ji har gaye, ye nahi ho sakta, bas ho hi nahi sakta. BJP yahan 113, magical 114, BJP aage nikli. Pal pal paasa badal raha hai. BJP 113 114 hoti hui abhi Congress 96 par. BJP aage nikli, aage nikli. Bas nikal hi gayi Rubika, itna chillai tum. Kul milakar abhi Karnataka ki picture baki hai. तस्वीर बदल रही है. आंकड़े में उतार चढ़ाव. रूबिका, ऐसा है रुमाना, लोग हमें देख रहे हैं. हाँ रूबिका, लोग तुम्हें देख रहे हैं नेशनल टीवी पे. थोड़ी तो मर्यादा रखती. इस वक्त 82 पर बीजेपी आगे चल रही है, 118 पर कांग्रेस. एक मिनट, बीजेपी 82 पे आगे कैसे चल सकती है, कांग्रेस 118 पे है. कांग्रेस घटी, 115 पर कांग्रेस. चैनल चेंज प्लीज. आई एम नॉट सीइंग देम go really frankly to 130, 140 kind of sweep number that has been projected by some
people. I don't see them go to the 140 numbers. When Arnab says, I'm not seeing Congress go to the 130-140 number, I guess he meant, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा. I hope you can see it now, Arnab. Meanwhile, रूमेगा बस लगी हुई थी. और टाई हो गया है, टाई हो गया है. अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, रुझानों में टाई 104 और 104. बीजेपी 104 पर, कांग्रेस 104 पर. यार रूबिका, why are you shouting? Just calm down. Take it a notch down. Just look at how Arnab does it. Calm, शांति से, denial mode. Undermining Congress, even though results are saying exactly the opposite. Just calmly do it. For me, it's looking like a 50-50 election. Congress, ladies and gentlemen, is not sweeping Karnataka. But Congress is doing okay. They're doing just okay, huh? Just okay, Arnab, sure. When you lose an election, and you lose an election like this, you are in a state of denial. BJP was not the only one in a state of denial. Kaash self-awareness ke thode votes milte, to Karnataka Arnab akele jeet jata. Second stage of grief, anger. Denial ke baad jab reality hit karti hai, to kisi ko bhi extreme emotional distress, bhavnatmak sankat hota hi hai. Ab ye TV news anchors apne jazbaaton se deal karein, to kaise deal karein? Gussa to aayega hi na? Anger, second stage of grief. Your party was in so much revolt. You could not handle your internal rebellion from your own cadre, from your own leaders. Or, and Sayed Aslam, this is a question. Or were you overconfident? And I think we should hit bullseye on the issue that you cannot only depend on Narendra Modi, you have to have a local leader. इतनी डांट तो अमित शाह ने भी नहीं दी होगी अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को. ग्रीफ का अगला पड़ाव होता है बारगेनिंग. इस स्टेज में आप उम्मीद की किरण ढूंढते हो, शायद किसी तरह से बीजेपी अलायंस बनाकर पावर में आ जाएगी. आफ्टर ऑल मे बी जस्ट वेल, बीजेपी प्लस जेडीएस पॉसिबिलिटी. अगर यही आंकड़ा रह जाता है तो सरकार बनेगी कैसे, उसे जरा आप समझिए. कैसे क्या समीकरण होगा? बहुमत के लिए 113 चाहिए, जो मैजिकल फिगर है. कुल सीटें 224. बीजेपी, जेडीएस और अन्य तीनों को अगर आप मिला दें तो 114 पर पहुंचते हैं. अभी के रुझानों के मुताबिक ये गणना हम कर रहे हैं. ये गणना एबीपी सुबह 10 बजे कर रहा था. न्यूज लॉन्ड्री, सीखो इनसे कुछ. एट 10 AM बीजेपी वॉज एट 77 एंड कांग्रेस एट 112 एंड जेडीएस एट 30. मतलब जेडीएस एंड बीजेपी टुगेदर वर लेस देन कांग्रेस. लेकिन ख्याली पुलाव फ्री में पका है, पकने दो. आप जोड़िए बीजेपी प्लस जेडीएस प्लस अन्य सरकार बनती है, और पिछली बार 104 में ही खेला हो गया था बीजेपी का. सॉरी एबीपी एंड रिपब्लिक, तुम्हारा बीजेपी प्लस जेडीएस का कोलिशन का सपना तो बस सपना ही रह गया. फिर आया डिप्रेशन, काले घनघोर बादल, फोर्थ स्टेज. डिप्रेशन और टीवी न्यूज के बारे में सोचे तो दिमाग में बस एक चेहरा आता है. यू गेस्ट इट राइट. आज का जो वोटर है, कर्नाटक का जो वोटर है, ये वोटर कम कस्टमर जैसा ज्यादा है. जैसे आज हमारे देश में कस्टमर बहुत डिमांडिंग है. Selfish, selfish vote. Everything is transactional for you. Everything. वसूली के बारे में सुधीर से अच्छा और कौन बता सकता है? कर्नाटक की आर्थिक स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं. हो सकता है श्रीलंका जैसी हो जाए. बस अब आप देखते जाओ. कर्नाटका पहले श्रीलंका बनेगा, फिर पाकिस्तान बनेगा, फिर सीरिया भी बन जाएगा, फिर जिहाद होंगे कर्नाटका में नाना प्रकार के. कर्नाटका में हिंदू बेटियां खतरे में पड़ जाएंगी. प्रलय ही प्रलय. ऑन टू द फाइनल स्टेज नाउ, एक्सेप्टेंस. जो कुछ बीता उसे एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि हार हो गई, आगे बढ़ो. अभी 2024 है ना, उसके बारे में सोचो. भूल जाओ कर्नाटका का, थिंक 2024. आएगा तो मोदी ही. लेकिन जहां तक 2024 की बात है, तो कर्नाटक के चुनाव नतीजों से 2024 का नतीजा नहीं कनेक्टेड है भाई. यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव में पब्लिक को अंतर समझ में आता, दोनों का गणित अलग. नरेंद्र मोदी का नाम आते ही पब्लिक फिर लोकल लीडरशिप नहीं देखती. वेट, पब्लिक जस्ट डिड लुक एट लोकल लीडरशिप एंड वोटेड डिस्पाइट मोदी मेकिंग द इलेक्शंस ऑल अबाउट हिमसेल्फ एंड द 99 अब्यूजेस दैट वर होल्ड एट हिम, और 91 आई थिंक. Now the Congress, Mamata Banerjee, NCP, left, everyone is gloating over the results of Karnataka and saying that this is the sign. They say now we have won 2024, now we will defeat the BJP. I have a problem with this, because essentially what they are trying to do, they are trying to take a massive localized anti-incumbency factor, and they are trying to tell you that this is the bellwether for the 2024
elections. In my view, that does not make sense. Localized anti-incumbency. Totally local elections पे थोड़ी ना मोदी जी को जज करेंगे. यूपी का म्यूनिसिपल इलेक्शन देख लो, कैसे मोदी जी का डंका बज रहा है वहां पे. That was not local at all. While the Bharatiya Janata Party has lost in Karnataka, it has swept Uttar Pradesh. When we talk about balance in journalism, that's really not what we mean. The BJP, in fact, might have lost its gateway to the south. It still has, in a manner of speaking, the Uttar for 2024. Excuse the pun. You're excused. And puns are the least of your problems. Now, Modi ji may have gracefully accepted defeat, but hamare news anchors thodna accept karenge. Aise kaise kar le? Abhi to legitimate question puchna baki hai. And that, ladies and gentlemen, brings me to the legitimate question. Mandate mishandled by Congress? Ladies and gentlemen, legitimate question से नविका का मतलब ये है कि क्या यार viewers, तुमने इन लोगों को अपने वोट के काबिल समझा? ये embarrassing party, ये party full of fault lines, ये party कभी तुम्हारे mandate के काबिल थी नहीं. Why don't you get it like I do? The Karnataka sweep has instead turned into a spectacle of embarrassment for the grand old party. So Congress took about a week to decide their CM candidate. Such an embarrassment. Meanwhile, Modi ji होते तो दो मिनट में decision होता था, कोई चू तक नहीं करता. The fight for chief minister's chair in Karnataka has again exposed the fault lines within the grand old party. Sara ka sara fault line to Congress mein hai. One of the big reasons why the BJP lost Karnataka elections was because it was a totally divided house before elections. This infighting led to BJP's most embarrassing loss in a long time. But let's focus on how Congress is embarrassing itself. To support my argument, I have memes to show you. There is another meme that I received on my WhatsApp, and that says 6 a.m. to 6 p.m. Siddaramaiah and 6 p.m. to 6 a.m. the next day, D.K. Shivkumar. But you then know, he has given wrong time to Shivkumar. These memes are doing the round. Navika, kitni baar ka hai? WhatsApp messages are meant to be forwarded on your RWA group, not to be shared on prime time. How many times you want to embarrass yourself and your channel? ये काफी नहीं था? Kong He, Zee Yong, Gu Kong, Tan Feng, Zhu Qin. अब भाई इन लोगों का तो चलता रहेगा. Meanwhile, the NL team was there in Karnataka, and one of the big issues of anger against the BJP was price rise. The Congress's five guarantees played a huge role in Congress's decisive victory. It was the poor who overwhelmingly voted for Congress. The poor who were fed up of price rise and increasing gas cylinder prices. And while it may be true that voters voted for the Congress in the state may vote for Modi at the center in 2024, the job of the media is not to speculate 1 year in advance, but to speak of people's issues that every election throws up. Common people is very suffering from prices because 2014 there is 400 rupees gas price. Now it is 1,100. Poor become very poor, rich become very rich. We don't want any corruption in the government. Corruption is a big issue. Big issue. You don't like the fact everywhere that you go, corruption. Unless until you give some money, your work, your paper will not be moving. Auto wala, kuli wala, kaam karne wala, sabko bahut takleef ho gaya. Ye फिर भी महंगाई से सब गवर्नमेंट में 40% कमीशन बोलता ना करेक्ट वो ये खाली कांग्रेस बोलता नहीं है. हम फील द हीट, फील द करप्शन हीट. दे से करप्शन फ्री गवर्नमेंट, बट आई डोंट थिंक इट इज अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू लोकनीति CSDS पोल, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्राइस राइज वर द बिगेस्ट इश्यूज दिस इलेक्शन. Big thank you to all our NL Sena supporters who helped us cover Karnataka elections. Thanks to them, we were able to go to the ground. And while TV news anchors were busy making Bajrang Bali, Bajrang Dal an issue, we were able to show you how that was just not an issue on the ground. The BJP MP who is speaking here, Shobha Karandlaje, she is one of the firebrand leaders in Karnataka. And so this is supposed to be a protest essentially against Congress. I don't think it's gotten much traction among the people in the neighborhood because I don't see many people, many regular folks in the temple. It's mostly the VHP and a lot of the media. So essentially, this is an event for the media. Here's a little homework for you. Just see the number of debates channels did on price rise, corruption versus Bajrang Dal issue. If this is not an insult to you as viewers, I don't know what is.
Now, News Laundry has a new NL Sena fund up. The Press Freedom Fund will investigate the state of media in India. It's no secret that the ED, IT and CBI have become tools in the hands of the Modi government to keep the opposition in check. Not just opposition members. These central agencies are also unleashed on news organizations when they do some inconvenient things like actually report on public interest issues. After this report, Dainik Bhaskar was raided. After this documentary, BBC was raided. This guy had not even reported yet. He was about to report on Hathras and he was arrested. Sadiq Kappan spent 850 days in jail. ED, NIA slapped him with money laundering and terror charges. 850 days. This is what he told us when he came out. अभी ये मुझे स्ट्रेंथ है 28 मंथ का मेरा जेल लाइफ मुझे एक स्ट्रेंथ दिया मुझे एक हिम्मत दिया आगे चलने के लिए Meanwhile, Times Now crew after they spent 5 days in jail नाविका जी वो रिसीव कर रही है और निश्चित तौर पर एक जो पीड़ा है जो दर्द जो उसने झेला है वो अपने आप ये कहानी है ये कहानी है जो दिखाता है कि किस तरह से कभी जो सच है वो कभी पराजय नहीं होता ये इसकी इसकी आंखों को देखिए उसने जो चीजें सहा है जो बर्दाश्त किया है Let's just get some background first. Times Now reporter Bhavna Kishore and her colleague Mrityunjay Kumar and driver Parminder Singh were arrested in Ludhiana. The police alleges that they were arrested because Times Now car hit a woman and the Times Now crew hurled casteist abuses at her. Now, the allegation may have been casteist abuse, but it takes no genius to understand that this was actually AAP taking revenge. Bhavna and co were arrested to extract revenge for Times Now's Operation Shish Mahal and Navika's very sasti acting. Kaleen, carpet, kitne? 1 lakh? Nahin. 2 lakh? Bilkul nahin. 4 lakh? Na. 20 lakh rupay ke 5 kaleen aaye hain. The thing is that not just the Modi government. Every government today now wants their own lapdogs. तो केजरीवाल क्यों पीछे रहे अब मोदी जी हैज नविका अर्नब गुल्लू लगभग सारा का सारा लैपडॉग एके गोदी मीडिया दैट डे एंड नाइट अटैक्स द ऑपोजिशन एंड डिसेंटर्स दे चीयर व्हेन उमर खालिद इज सेंट टू जेल व्हेन सुधा भारद्वाज इज सेंट टू जेल आर्यन खान को जेल में डालो रिया काला जादू वाली का जीना मुश्किल कर दो और जब खुद पे बात आए तो रोने लग जाओ प्रेस फ्रीडम की बात करो Look, we all know why Bhavna was arrested. And Navika could have used this opportunity to stand up with her reporter. Yes, do that. But also speak about the tendency of all governments to go after dissenters and journalists who make them look bad. That includes Modi ji's government too. But who are we kidding? We're talking about Times Now and Navika. Even an injustice against their own reporter is fodder for tacky drama for TRPs. Navika ne socha, achha mauka haath lagaya, bas achhi tarah se isko milk karo TRP ke liye. So, Times Now reporter is greeted by Times Now editor with running commentary from Times Now reporter on Times Now editor greeting the Times Now reporter. किन हालातों से किन चीजों से भावना गुजरी है और आज वो वापस है यहाँ पर क्योंकि सच जो है कभी पराजित नहीं हो सकता कभी हारता नहीं है और सच जो है वो आईने के सामने तरह आपके सामने खड़ा होता है और नविका का ममता भरा स्पर्श एक नारी ही जान सकती है नारी का दर्द वन किस आल्सो प्लीज नविका जी के साथ नविका जी कल आप मुलाकात की एक गुप्त जगह पे दोनों की मुलाकात क्या था उस समय कब क्या लगा जब नविका जी जब नाविका जी पहुंची उस वक्त तक मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं शायद मुझे एक्चुअली जेल में मौजूद मेरे मैं जहां पर थी जिस बैरक में उसमें टेलीविजन नहीं था और मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही थी कि क्या हो रहा है बाहर क्योंकि मुझे बेल के बारे में कोई जानकारी नहीं रिपोर्टर अपने जेल की दुख भरी कहानी सुना रही है वहां साइड में चैनल नविका और रिपोर्टर की खुशी भरी सेल्फी भी फ्लैश कर रहा है कितना मुश्किल रहा होगा ये सब ये सेल्फी सारा सच बयान कर रहा है कोई स्टोरी तो नहीं मिस हो रही ये चिंता थी स्टोरी मिस होने की चिंता हो रही होगी ना कोई बात नहीं बेटा वो तो व्हाट्सएप पे भी मिल जाती है दिस इज टाइम्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आई मीन स्टोरी ऑन टाइम्स नाउ दैट्स रियली नॉट व्हाट यू गाइस आर नोन फॉर इन ऑल ऑफ दिस देयर वाज अ रैंडम डूड प्लेइंग अ गिटार ये लड़ी जो सबके साथ यहाँ पर खड़ी है बेचारा इतनी मेहनत से बजा रहा था सुनाई देते अच्छी बच्ची ऐसे आई आप आपके चेहरे पर भी आपकी आंखों में भी वो आंसू दिख रहे हैं अपने घर का बच्चा अगर जाएगा तो आंसू तो आएंगे
लेकिन भावना मुझे गर्व है तुम पे. आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम ना डरी ना तुमने हिम्मत छोड़ी. सबको तुमसे सीखना पड़ेगा कि जर्नलिस्ट ऐसे नहीं बनते, पत्रकार ऐसे ही नहीं बनते, पत्रकार ऐसे ही नहीं बनते. थैंक गॉड भावना के पास नविका है सब सिखाने के लिए. So she asks Riya, should we take it from Shovik's friend, but he has just hash and bud. Now I don't know the lingo of drugs. Obviously Navika wasn't done with the emotional welcome. Abhi pura prime time bhi karna baki tha. Do prime time karne baki the. Main kaise bataun ghar walon ko, kaise bataungi office ko ki main kahan hu? कुछ रोटियां आई थी कागज में रैप होके, सब्जी थी, बोला गया इसको खा लो. मैंने बोला मैं कुछ निकाल रही हूँ, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, मुझे निकालो. मैं एकदम बेबस होने लगी, मुझे बोला निकालो जेल से, निकाल यहाँ से, स्टेशन से निकालो. तुमने मुझे बताया कि जब वॉशरूम लेके गए तो दरवाजे बंद नहीं थे, खुला, आपको खुला रहना चाहिए वॉशरूम, आप लॉक नहीं कर. क्या आप भाग जाएंगे क्या वहाँ से? आपको बोला गया आप खुले दरवाजे, दरवाजा खुला रख के वॉशरूम जाएंगे? हाँ जी. ये ह्यूमिलिएशन किसी, मैंने फिर किसी भी लड़की किया का. मैंने वॉशरूम किया दरवाजा खोल के, मुझे नहीं आई शर्म क्योंकि मैं इतना प्रेशर में थी उस वक्त. प्रेशर, मेरे सर फट रहा था, मुझे लग रहा था कि पापा से बात हो गई, शायद अब तक कुछ हो जाएगा. मुझे लग रहा था कुछ हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगी. मैंने पापा को बताया कुछ तो हो ही जाएगा. बहुत गर्मी थी, पानी पी रही थी लेकिन उलझन भी बहुत थी. और सबसे बड़ी बात ये कि 17 लोग थे, बार बार वॉशरूम जा रहे थे तो इतनी स्मेल आ रही थी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉशरूम के बाहर सोऊंगी और आई स्मेल ऑल दिस रबिश. मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. आई वाज प्रेइंग कि भगवान मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती क्या हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. तो आप टॉयलेट में नहीं वो कर सकते, यू कांट स्मेल समवन शिट. बहुत टफ था मैम. यस, दैट वाज हैपनिंग ऑन प्राइम टाइम न्यूज. जेल इज टफ एंड यू नो व्हाट, इवन वन नाइट इन जेल फॉर एन इनोसेंट पर्सन इज अ ग्रेव इनजस्टिस. It must have also been very tough for Riya, who was in jail thanks to the hysteria whipped up by Navika Kumar and others like her just for TRPs. Riya Chakraparty played a very crucial role. She was managing Sushant Singh Rajput. She was manipulating him. Guess how much time she spent in jail. Guess how much time Umar Khalid spent in jail. 800 days and counting. Guess what? When an 83-year-old wanted a sipper in jail, he was denied that. Jail is tough. Your channel accused these guys of a plot to kill the Prime Minister without any proof and they spent a lot of time in jail. But theek hai, now that you've been victims of government high-handedness, I hope times now will come together the next time a journalist or a dissenter is arrested for just opposing the powers that be. Who am I kidding here? Democracy is dead. Freedom of speech, freedom of expression, all dead. Because questions have been asked on tax laws and who's following the tax laws of the country. I just want to ask you, are media companies exempt from paying taxes? If the media is betraying the public interest by, for example, allegedly cheating the state of taxes, then it should be brought to book. That is what one would believe, because just because you're the media, should you be exempt from the laws of the land, including tax laws? Is a journalist above law? Funny, Navika, what you said about BBC raids is exactly what AAP spokesperson said about your journalists. Is a journalist above law? If we apply Navika's standards to Navika's own channel, then they should have just face up to the law, right? Apne pe aaye to ye logic kuch suit nahi karta na, Navika? Bhavna ke saath jo hua, Parminder ke saath jo hua, aap logon ko is tarah se begairat karenge? Aap kursi par hai, singhasan par hai, satta mein hai. आपकी तो शान बान शान ही अलग है, लेकिन भूलिए मत, हर आम आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है. अपने पे आई तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई, बाकी लोगों का तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट था ही नहीं. देयर कैरेक्टर वाज जस्ट देयर फॉर यू टू असैसिनेट इट. आत्मसम्मान किसी का रौंधा नहीं जा सकता. आप रौंधेंगे तो आग लगेगी. आग लगेगी क्योंकि आत्मसम्मान होता ही सिर्फ आम इंसानों में. आग लगेगी, आत्मसम्मान सिर्फ होता ही है आम इंसानों में है. यार नविका, पहले डायलॉग राइटर ले आओ अपने लिए.
कोई ढंग का फिल्म सिटी से. यू डिजर्व दैट एट लीस्ट. अगर एक पढ़ी लिखी लड़की एक चैनल के बड़े चैनल के साथ जो देश में नेशनल चैनल है उसके साथ अगर ये हो सकता है तो फिर इस देश में क्या ब्रेकडाउन है? कंट्री में ब्रेकडाउन है. यू आर रियलाइजिंग दिस नाउ. देश में ब्रेकडाउन है एंड यू नविका हैव प्लेड अ ह्यूज रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस ब्रेकडाउन बाय चीयरिंग ऑन स्टेट एक्शन अगेंस्ट दोज हु यू डिसलाइक, चीयरिंग द जेलिंग ऑफ डिसेंटर्स, प्रोटेस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स एंड यस इवन जर्नलिस्ट्स. It's sad that young reporters like Bhavna have to go through what they did. It's even sadder that a generation of young reporters have had you as a newsroom leader who's done exactly what she's opposing today. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Till then, stay mad. That's the only way. Thank you so much guys for watching this episode. Please like it. Please share it with your friends and family. Tumhe meri kasam, isko like kar dena, please.